सी फ्रेंड्स, मेरा मटन बन के रेडी हो चुका है, एकदम परफेक्ट। अब मैं बंद कर दूंगी। लड्डू अब बनाओ, इतनी लड्डू पागल है, जब देखो तब लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, बाद में बना देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, फाइनली स्नैक्स भी कंप्लीट हो गया है। ये रहा मेरा गर्मा गर्म पकौड़ी और आलू का चॉप। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो सानू लड्डू खा रही है, हम लोग सब नहा, लड्डू नहीं पीठा खा रही है। हाय करिए, लड्डू खा चुकी है। हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। थोड़ा टफ है इसलिए नहीं बोल पा रही है। तो हम सब नहा के रेडी हो चुके हैं, अब नाश्ता करेंगे। इधर आयुष भी मेरा नहा के रेडी हो चुका है, देखा। आयुष हाय करिए। इधर आयुष भी नहा के एकदम न्यू न्यू कपड़ा सब पहने हैं ना सानू, आज संक्रांत है तो नया नया सब पहने हैं। हाय करिए, हाय आयुष, हाय। खेलने में बिजी है। फ्रेंड्स, आज हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है कुछ खास, मतलब जो पीठा बनाए थे कान पीठा, उसी को फ्राई कर रहे हैं। उसका फ्राई खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसी को बैठाए हैं, उधर बन रही है। और इधर चाय बनाएंगे मेरे मिस्टर के लिए, तो फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ पीठा फ्राई कैसा दिखता है। फ्रेंड्स देखिए, पीठा फ्राई हो चुका है, हम लोग इसको पीठा भाजा बोलते हैं। ये खाने में अच्छा लगता है, मसाला वसाला डाल के बनाए हैं सब, कभी डाल देते हैं। इधर हम लोग ले लिए हैं, मेरे मिस्टर तो खाने बैठ गए, ये मेरा है। फ्रेंड्स खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सानू क्या खाना आपको? चिची पीठा वाला ले लिए हैं, मेरे मिस्टर भी खा रहे हैं। सानू क्या खाना है? और चाटी नहीं खाते, पीठा खाते हैं। कल खाई थी, आज पता नहीं क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज होता है। ऊपर से एक लड्डू खा लिया, इसलिए अभी उसका मन नहीं है। फ्रेंड्स नाश्ता कर लेते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो गया, ब्रेकफास्ट। अब लंच का तैयारी करेंगे। इधर सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया, सब चीज़ हो गया है, कपड़ा वगैरह पसार दिए हैं, बच्चों लोगों को खिला के रेडी कर चुके हैं। अब सब्जी काटेंगे, खाना बनाएंगे, लंच का तैयारी। मेरे मिस्टर गए हैं, थोड़ा सा आज नॉनवेज खाना होता है, सब खाते हैं हमारे उधर, तो हम लोग भी खाते हैं। ऐसे भी हम लोग नॉनवेज हमेशा खाते ही हैं, मतलब लगभग वीक में 2 से 3 दिन तो बनता है। हाँ, सानू दिखा रही है अपना मिनी माउस, उसी के साथ अभी खेल रही है, उसको सुला रही है ना सानू, उसी के साथ लगी हुई है, खाने के बाद से खेल रही है अपना। हर रोज एक एक नया चीज़ उसको चाहिए खेलने के लिए। आज मिनी माउस पे मन आया है, तो उसको खेलेगी, उसको साथ नहीं छोड़ेगी। मेरे मिस्टर गए हैं, अभी लेके आएंगे, और लाने के बाद ही मैं वो सब बनाऊंगी। तब तक तो मैं वेजिटेबल्स देख लेती हूँ क्या क्या है, जो मैं डिसाइड करते क्या क्या बनाऊँगी। तो लस्सी क्या है फ्रिज में देखते हैं। मैंने पीठा वगैरह सब रख दिया फ्रिज में, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। पनीर, सोच रहे मेरे मिस्टर तो नॉनवेज खाते नहीं हैं, उनके लिए पनीर बना देती हूँ, पनीर को ग्रिल कर देंगे, उनको वही पसंद है। सलाद रहेगा और एक सब्जी बनाते, पूछ लेंगे उनसे, उनको पोस्तों का बड़ा पसंद है, तो सोच रहे वही बना देंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। फ्रेंड्स मेरे मिस्टर आ गए हैं मार्केट से, वो नॉन वेज लेके आए, मटन लेके आए हैं, साग लेके आए हैं और फ्रूट्स कुछ लाए हैं। तो मेरा इधर ऑलमोस्ट आधा खाना बन चुका है, दिखाती हूँ। ये नॉन वेज है और ये वेस्टेज साग लाए हैं, ये मैंने साफ करके रखा है, ये भतवा साग है, ये सब खाए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको काटना, इसको बनाना है, मटन बनाना है और उधर सलाद को काटना, बस इतना। और इधर मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, ये सोचे हैं आलू चॉप बनाएंगे, इसलिए इसको बना के रखे हैं। आलू चॉप के लिए मसाला रेडी करके रखे, ठंडा भी रहेगा। आलू चोखा बनाया है, पनीर है और पोस्तों का बड़ा है।
फ्रेंड्स मैं ये साग सब काट लेती हूँ, उसके बाद नॉनवेज को बनाऊँगी। इधर मेरा वेज वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा इसको करने से। फ्रेंड्स मेरा वेज वाला खाना बनके रेडी हो चुका है, साग चोखा वो सब दिखाई है। अब इसको कवर कर लेंगे और इधर चर्बी है थोड़ा सा, उसको पहले मैं फ्राई कर दे रही, उसके बाद मटन बनाऊँगी। फ्रेंड्स मटन बनाने के लिए मैंने डाल दिया है तेल, डाल गर्म करके प्याज, इसमें दालचीनी का टुकड़ा पहले ही डाल दिए थे। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें नमक में मिला देती हूँ क्योंकि प्याज तो गल जाएगा, थोड़ा सा और देना पड़ेगा। नमक हो जाएगा, नमक डाल के फ्राई करूँगी तभी प्याज जल्दी गल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं बाकी मसाला डालती हूँ, जैसे हल्दी, रेड चिली पाउडर, जीरा, धनिया का पाउडर, काफ़ी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई है, मेरा बच्चा लोग भी खा नहीं पाएगा। जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट, इतना तो बनता है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको फ्राई कर लूँगी। फिर मटन डाल दूँगी इसको अच्छे से फ्राई करके। अभी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें मटन डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे को क्या, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने गए तेल तो गिर गया। अब इसको समेटना पड़ेगा, मसाला सब बंद करके रखने जा रहे थे और गिर गया तेल। इसको पोंछ पाछ लेती हूँ और मटन को फ्राई कर लेती हूँ। उनको अच्छा से मसाला में मिला दिए हैं, अब इसको ढक दूंगी, धीरे धीरे पकेगा, तब तक मैं इधर जो फैलाए हो रहा था उसको साफ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स तेल साफ कर दिए हैं, ये ऐसा भी लग रहा है साफ हो गया, निशान हो गया तेल का, क्या कर, थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो मटन तो चेक कर लेती हूँ, ऐसे ढक ढक के इन्हें पकाऊंगी, उसके बाद पानी डालती हूँ, अच्छा से ढक ढक के फ्राई करूँगी, उसके बाद जब गल जाएगा तब पानी डालूँगी। और कढ़ाई का यही अच्छा सुविधा है, इसको ढकते जाओ, पानी छोड़ दिया है, वो पानी जब तक सूखेगा मटन पक भी जाएगा। पलट करके फिर ढक देंगे, फिर ढक देती हूँ, एकदम फ्लेम लो कर दिए हैं, आराम से धीरे धीरे पकते जाएगा। फ्रेंड्स मेरे मटन फ्राई हो चुके हैं और ये पक भी गया आधा, तो फ्राई खाने लायक है, तो मैं फ्राई थोड़ा सा निकाल लूँगी क्योंकि हम लोग को फ्राई बहुत पसंद है, आइस को भी, सानू को भी, मुझे भी, मेरे मिस्टर तो नहीं खाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा निकाल लेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, तो ये आराम से पकेगा, निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पानी डाल दिया है, देखिए इसका कलर कैसा मस्त लग रहा है, इसको मैं ढक दूंगी, ढक के पकाऊंगी तो जल्दी पक जाएगा। ढक दिया, थोड़ा देर पकने में लगेगा, ऐसे तो फ्राई हो चुका है लेकिन थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। सी फ्रेंड्स मेरा मटन बन के रेडी हो चुका है, एकदम परफेक्ट, अब मैं बंद कर दूंगी और खाना खा लेंगे हम लोग। खाना बन गया है, हम लोग खा लेते हैं और बच्चा को लोगों को खिला दिए हैं, वो लोग इतना भूखा था कि चिल्ला चिल्ला के उधर मचा दिया, तो लोगों को खिला लिए, अभी हम लोग खाएंगे, शाम को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, अभी फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। उस टाइम तो दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर रहे थे, अभी उठे, सबका नाश्ता पानी करवा चुके हैं, मैं नहीं खाई हूँ, अभी मेरा काम है वो फिनिश करूँगी, फिर थोड़ा मैं भी नाश्ता करूँगी।
तो अभी स्नैक्स बनाने वाले हैं, संक्रांति है, हमारा तो नॉनवेज हो गया, मेरे मिस्टर वेज है तो उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो अभी चॉप पकौड़ी बना रहे हैं और पूरी बोरे खाएंगे तो पूरी बना देंगे, लेकिन वो बाद में, क्योंकि अभी पूरी तो खाएंगे ना, अभी पूरी बना के रख दिए तो ठंडा हो जाएगा, उनको ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब खाएंगे उसी टाइम गर्म गर्म बनाएंगे और खिलाएंगे। तो अभी फिलहाल पकौड़ी और चॉप बनाने वाली हूँ। इसमें स्प्रिंग अनियन कट करके रख ली हूँ साफ करके अच्छे से, और ये चॉप का मसाला आलू वाला, धनिया में था लेकिन धनिया तो मेरा इतना मर गया एकदम, इसको पानी में डाल के रखे काम करने, इसीलिए इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। और अभी सिर्फ धनिया मंगाने के लिए मन नहीं करता। क्या लड्डू अब बनाओ, इतनी लड्डू पागल है, जब देखो तब लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, बाद में बना देंगे ठीक है। तो अभी इसका चॉप पहले छान लेते, फिर पकौड़ी छान लेते। फ्रेंड्स मैंने आलू को इस तरह काट लिया है, गोल गोल 9 पीसेस बनेंगे। इधर बेसन भी बैटर रेडी है, अगर तेल भी गर्म होने दे दिए है, बस फटाफट बनाते जाएंगे, इसलिए सारा प्रिपरेशन करके रखने से फ़ायदा है, जल्दी जल्दी बन जाता है, एक ही बार जो झमेला हुआ हो। गर्म हो चुका है, अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे इसे, बस इसमें टिक करेंगे। क्या हुआ तरह में एक करके सारा डाल लेते हैं। फ्रेंड्स इतना एक बार में 5 डाले थे और इसको भी पलट दिए हैं, थोड़ा सा पकाने हो जाएगा, ठीक है। आलू तो पका हुआ रहता है, खाली बेसन तो उसका पकना होता है, 2 मिनट में हो जाएगा। फ्रेंड्स फाइनली स्नैक्स भी कंप्लीट हो गया है, ये रहा मेरा गर्मा गर्म पकौड़ी और आलू का चॉप, और इधर आटा गूंथ के रखे हैं, इसको भी थोड़ा देर में रोटी रोटी पूड़ी जो खाएंगे वो बनाऊंगी बाद में। तो ये रहा स्नैक्स। तो फ्रेंड्स देखा मैंने स्नैक्स भी बना लिया, कंप्लीट हो गया है। अब बच्चा लोग गया, अभी एक बर्थडे पार्टी है अपार्टमेंट में, तो उसी में गया, दोनों बच्चा लोग को भेज दिए, मेरा हस्बैंड लेके गया है, छोड़ देंगे उन लोग का घर में और बाहर रहेंगे। तो अभी वो लोग इंजॉय कर रहा पार्टी, और इधर मेरा बन गया सारा चीज़, खाली रोटी या पूड़ी जो खाएंगे वो मैं बना दूंगी। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही तक, और आज मकर का, फिर से आप लोगों को मकर संक्रांति का बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने भी मकर संक्रांति को बहुत इंजॉय किया है और बहुत सारे चीज़ें बना के खाए हैं, खुशियाँ मनाए अपने परिवार के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश कर रही हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे।